बंटी शेड़के एक ना ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। उसके साथ में युवा संगठन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जुड़ा हुआ है और आज वो दिल्ली के लिए 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके पूरी बाइक रैली से युवा संगठन के साथ में रवाना हुए हैं। मेन मुद्दा यह है कि अभी महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके और गैस को लेके, बेरोज़गारी को लेके जो देश में जिधर उधर कोहराम मचा हुआ है और अभी ये जो एक नया आया है कि मोदी सरकार के द्वारा लोगों की जासूसी की गई है, इस मुद्दे को लेके वो दिल्ली के ओर रवाना हुए हैं और यही है कि संघ से संसद तक और गलियों से दिल्ली तक हम संसद का घेराव करेंगे और जब तक के ये कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है, देश का मुस्तकबिल उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरी शुभकामनाएं है युवा पीढ़ी को कि आने वाले वक्त पे जो बहुत ज़्यादा 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, 65 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, वो हमारे सरपरस्त बन के रहे, लेकिन अब युवा पीढ़ी को वो मौका देना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया कि आज़ादी में भी युवाओं ने ही इस देश को में एक नया इंकलाब लाया था और इस देश को आज़ादी दिलवाई थी। देखिए, पश्चिम नागपुर में दो प्रभाग आते हैं। वैसे तो यहाँ पर हमारे जो चारों नगर सेवक हैं वो कांग्रेस से जुड़े हैं और जिसमें नीतीश ग्वालबंसी जी, हरीश ग्वालबंसी जी, रश्मि उइके और कमलेश चौधरी, ऐसे 6 नगर सेवक हैं। लेकिन प्रभाग 10 से प्रभाग 11 से जो है ये कांग्रेस के ही नगर सेवक हैं। तो जब ये प्रभाग था तो एक मिनी एमएलए चुनाव हुआ और इसमें जब कोई नगर सेवक हमसे जब चुनाव होते हैं तो वोट मांगने जनता से आता है, तो जनता को एक उम्मीद बनती है कि वो नगर सेवक बनने के बाद में हमारे लिए कार्य करेगा, हमारे क्षेत्र के लिए कार्य करेगा। लेकिन मैंने उस दिन भी ये बात रखी, ये मुद्दा रखा कि जो नगर सेवक है उनका दायरा क्या उनके घर के अतराफ या उनके जो जहाँ उनका ज़्यादा रहना है उसके आजू बाजू ही है, क्योंकि प्रभाग 10 और प्रभाग 11 में एक सोनपुर बस्ती है, गंगानगर है, उसके अलावा कामगार नगर है, अवस्थी नगर है। तो हमारे नगर सेवकों में से ही किसी ने कभी उस बस्ती के तरफ पलट के नहीं देखा कि सोनपुर बस्ती में गडर की क्या समस्या है, लोगों को पानी का क्या प्रॉब्लम है। यहाँ सोनपुर बस्ती से जुड़ा एक नाला है, 2019 की बारिश में उसकी एक दीवार जो है वो ढह गई और उस वक्त 10 फीट का 15 फीट का जो रोड था वो तकरीबन आधा खसक गया। वहाँ इस मुद्दे को लेके मैं सबसे पहले जो है यहाँ के जो नगर सेवक थे डॉक्टर प्रशांत चोपड़ा, उनके पास गई। उसके बाद उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई एनएमसी के पास पैसा नहीं है। फिर मैं दो बार दयाशंकर तिवारी जी को डेपुटेशन दिया, मनप्पा आयुक्त राधाकृष्णन जी को डेपुटेशन दिया और उसके बाद में मैंने पेपर में भी ये पूरी बात लिखी कि अगर ये नाले की जो दीवार ढह गई है 2019 में अगर उसको दुरुस्त नहीं किया जाए तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, वो पुलिया बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ दो हादसे एक्चुअल पहले ही हो चुके हैं, एक ऑटो गिर गया और एक टू व्हीलर से आदमी पूरा नाले में जाके गिर गया। लेकिन अभी तक के मना मनप्पा के कान पे कोई जूरेंगी ना नगर सेवक के। उसके बाद में मैं वही निवेदन को लेके अपने आमदार, पश्चिम नागपुर के जो आमदार हैं हमारे श्री विकास ठाकरे जी, उनके पास गई तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये हम जो है ये करेंगे और ये बारिश के बाद ये कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरी बात कि हमारे एरिया में 2015 में सड़कें बनी, 5 साल हो गए, उसके बाद यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने एरिया के कुछ लोगों को लेके, वेलफेयर सोसाइटी के कुछ लोगों को लेके विकास ठाकरे जी से मिलने गई और उनको निवेदन दिया और उन्होंने उनके सहयोग से और हम लोगों के दौड़ भाग से यहाँ के एरिया के लिए विदाउट GST 11 लाख रुपया जो है वो सेंक्शन हुआ रोड के लिए और चेंबर के लिए और वर्क आर्डर जो है वो हमारे हाथ में है आज।